फर्स्ट क्वेश्चन, वन क्वेश्चन इज गिवन, गिवन बिलो इज अ पेडिग्री चार्ट ऑफ अ फैमिली विद फाइव चिल्ड्रन. ठीक है, इट शो द इनहेरिटेंस ऑफ अटैच्ड ईयर लोब्स. सो इन द इनहेरिटेंस ऑफ अटैच्ड ईयर लोब एज अपोज टू द फ्री ईयर, फ्री वंस, द स्क्वायर रिप्रेजेंट द मेल इंडिविजुअल एंड सर्कल एज फीमेल इंडिविजुअल. ठीक है बेटा, so, आपको सर्कल, आपको पेडिग्री चार्ट बना के दे रहा है. पेडिग्री दे रहा है क्या, अ फीमेल मैरी विद अ मेल, होप सो. अब शादी हुई तो बच्चे होना लाजमी है. अब बना रहा है कि हम दो, हमारे पांच, इंडिया की पॉपुलेशन इसलिए बढ़ रही है, ए डिजीज, नॉर्मल, नॉर्मल मेल, डिजीज फीमेल, देन आपका नॉर्मल फीमेल. नाउ दे आर आस्किंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन ड्रॉन इज करेक्ट. इसमें से क्या कंक्लूजन करेक्ट है. अब देखो क्वेश्चन दिया है, बट वी विल लर्न, वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नीड टू लर्न इट. है ना, ऑप्शन नहीं देखना है, बिना ऑप्शन के देखेंगे उसके बाद देखते हैं. जस्ट लेट मी नो, दिस इज एज आई टोल्ड यू बिफोर कि बाइलिंग एक्सलिंग, सबसे पहले किसकी बात हुई. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नीड टू चेक बाइलिंग, इज इट बाइलिंग करेक्टर. इफ इट वॉज बाइलिंग देन मेल शुड बी डिजीज, मीन्स टू से दिस इज नॉट अ बाइलिंग करेक्टर. ओके, दिस इज नॉट अ बाइलिंग करेक्टर. देन क्या देखेंगे, देन आपके एक्सलिंग करेक्टर, एक्सलिंग डोमिनेंट. Is it X-ring dominant? If it was X-ring dominant, then they should show disease. They should be black, but they are not black. They are not diseased. Means to say they are. It is not X-ring dominant character. This is not a X-ring dominant. A X-ring dominant character भी नहीं है. ठीक है ना भाई? अब बात करेंगे किसकी? चलो तो X-ring recessive हो सकता है. X-ring recessive A है XY male, और this is X. और यहां रखोगे तो मेल विल बी ब्लैक, मेल तो हेटरोजाइगस में भी शो हो जाएगा. तो चलो ऐसा रखा. इन दिस सिचुएशन इफ यू आर कंसिडरिंग कि दिस फीमेल इज एक्सिंग रेसेसिव हेटरोजाइगस, देन इन बाय दिस शी कांट बी डिजीज. शी कैन बी अ कैरियर बट शी कांट बी डिजीज. बाकी सब पॉसिबल है बट शी कांट बी डिजीज. डिजीज के लिए यहां दोनों पर एक्स एक्स होना जरूरी था, दोनों पर डिजीज होना जरूरी था. मीन्स दिस डिजीज कांट बी एक्सलिंग रेसेसिव. चलिए तो ये डिजीज एक्सलिंग रेसेसिव भी नहीं है. अब ढूंढेंगे कौन सा, ऑटोसोमल. गेटिंग ना, अब ढूंढते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर. माना हमने कि अगर ये इफ इट इज ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, तो पहले ढूंढेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट. इफ डोमिनेंट दे शुड बी ब्लैक, दे आर नॉट ऑटोसोमल डोमिनेंट. इफ डोमिनेंट होता तो दे शुड बी ब्लैक और नॉट, बट दे आर नॉट ब्लैक, दे आर नॉट डिजीज, दे आर नॉट डिजीज. मीन्स दिस इज डोमिनेंट है ही नहीं, तो कौन बचा, ऑटोसोमल रेसेसिव. अब बताओ ऑटोसोमल रेसेसिव, क्या मैं इसको ऐसे ऐसे बना दू, अगर मैं इसको ऑटोसोमल रेसेसिव में होम हो जाएगा, इफ आई एम गोइंग टू फॉर्म, देन इट शुड बी डिजीज. मीन्स टू से यू कांट फॉर्म, यानी आप इसको होमोजाइगस, यू कांट फॉर्म हेयर एंड हेयर. अल्टीमेटली दिस कैन बी लाइक दिस और नॉट, हमें ऐसे बनाना पड़ेगा. इज इट, बोले डिजीज नहीं है तो सर हम ऐसे बना दें, कैपिटल ए कैपिटल ए. अगर हम कैपिटल ए कैपिटल बनाएंगे तो कोई भी स्मॉल ए स्मॉल ए नहीं आ पाएगा, क्योंकि मुझे दोनों से स्मॉल ए चाहिए. और विदाउट स्मॉल ए स्मॉल ए डिजीज कांट बी देयर. मीन्स टू से इसको आप ऐसे नहीं बना सकते, यू हैव टू फॉर्म लाइक दिस. नाउ स्मॉल ए स्मॉल ए इट कैन बी पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल. और बाकी चाहे कैपिटल ए कैपिटल ए आएंगे या कैपिटल ए स्मॉल ए, मीन्स टू से दिस डिजीज इज ऑटोसोमल रेसेसिव. बनते दिस डिजीज इज ऑटोसोमल रेसेसिव. इतनी बात समझ में आई, बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे इससे हम लोग, देन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यू विल बी परफेक्ट. ओके, इसके ऑप्शन देखिए, इसमें तो अलग तरह के ऑप्शन थे, हमने तो कुछ सीखा है भी. एक ऑप्शन दिया था द पेरेंट्स आर होमोजाइगस रेसेसिव, क्या ये होमोजाइगस रेसेसिव है, नहीं है. द ट्रेट इज बाइलिंग्ड, नहीं है. द पेरेंट्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट, नहीं है. द पेरेंट्स आर हेटरोजाइगस, बिल्कुल है. पेरेंट्स कैसे हैं, हेटरोजाइगस. देखा आपने, क्लियर. सो अभी विदाउट ऑप्शंस दिस देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड देम.
When better understanding is there, when you are capable to make the question, you are capable to solve, then there is no need. Then only from the options, just check all the answers. See, next question. Okay. So first, there is a need to make practice. Sare questions create, or basically as I am going to tell you. फर्स्ट ऑफ ऑल बाइलिंगली देखिए बाइलिंग फिर एक्सलिंग डोमिनेंट एक्सलिंग रेसेसिव ये सारा कुछ देखिए आफ्टर दैट ऑटोसोमल वगैरह देखिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रिडिक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक बड़ा चार्ट दे रहा है आपको और कह रहा है प्रिडिक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग देखेंगे प्रिडिक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ मेल इज हियर मैरिड विद अ फीमेल और इसमें इसने ऑलरेडी ऐसे बना दिया यानी दे आर शोइंग इट्स कैरियर ठीक है इसका बेटा हमने शादी हुई तो बच्चे होना लाजमी है ये लो जी देन अ मेल इज हियर विद डिजीज्ड वन फीमेल इज हियर एंड द फीमेल इज हियर इसको मैंने पॉइंट्स बना दिया यानी कैरियर वन मेल इज हियर ओके चलिए दिस मेल अगेन गोइंग टू मैरी अगेन मतलब क्या पहली शादी बेचारी की और शादी हुई तो बच्चे होना लाजमी है टू फीमेल कैरियर आए एंड वन मेल नॉर्मल आया ओके नाउ दे आर आस्किंग सम क्वेश्चंस ठीक है नाउ सी है अब ऑप्शन से दिखा दूं मैं बताओ दिस डिजीज इज बाइलिंग इज इट बाइलिंग डिजीज पहला ऑप्शन क्या हुआ दिस इज नॉट बाइलिंग This is not a bilink disease. अगर ये bilink होता, then male should be diseased. Male should be diseased. So this is not a bilink disease. Okay? And the thing is there. It's a anything. This is not a X-linked dominant or autosomal dominant. If it was X-linked dominant or autosomal dominant, then these persons should be diseased. Means it's a dominant भी नहीं है. X-linked dominant भी नहीं और autosomal dominant भी नहीं. अब क्या बचा? They can be X-linked recessive or autosomal recessive only. चलिए, first of all we are going to take X-linked recessive. After that we will check autosomal recessive. X-linked recessive, male and female carrier है तो ऐसे बना दिया बेटा. With the help of this देखो ये male जा सकता है बिल्कुल male को disease हो सकती है. Female carrier हो सकती है बिल्कुल female carrier हो सकती है. फीमेल बच सकती है ये देखो फीमेल बच भी सकती है मेल बच सकता है बिल्कुल मेल भी बच सकता है सो अप टू हियर तो इट्स ओके अप टू हियर इट्स शोइंग कि एक्स लिंक रेसेसिव है वी विल चेक ऑल अप टू ऑल जनरेशन एक्स वाई एक्स एक्स नॉर्मल फीमेल दिखा रहा है बिकॉज देयर इज नो पॉइंट नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस जस्ट सी वन एक्स मींस शी विल बी कैरियर She will be also carrier and female तो बिल्कुल normal है यानी all male will be normal तो according to this this disease is autos this disease is X-linked recessive till now this is X-linked recessive okay now we will check it is a autosomal recessive or not so till now that is आपका X-linked recessive done बेटा अब बात कर रहा हूं मैं autosomal recessive है कि नहीं चलिए देखेंगे ऑटोसोमल रेसेसिव के लिए देखो जरा एक्स ऑटोसोमल रेसेसिव देखिए अगर ये ऑटोसोमल रेसेसिव है अब वही कैरियर में दिखा रहा है मीन्स से कैपिटल ए स्मॉल ए You can take here, you can't take here capital A small A because they are representing carrier by this. Means to say you have to show like that. Autosomal recessive. ठीक है? In this case, male can't be diseased. Male can't be diseased. Means to say this disease is not autosomal recessive. ठीक है? In generally, carrier condition they are not showing. But if they are showing already, then you have to consider them. कि हाँ भाई दे आर शोइंग कि कैरियर्स दे आर शोइंग देन यू कांट शो कि भाई हो सकता है ये कैरियर है पॉइंट नहीं दिखा रहा हूं इन जनरली वी कैन थिंक हेयर यू कांट देन दिस इज अ ऑटोसोमा दिस इज अ एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू जस्ट सॉल्व ऑल द पेडिग्री एनालिसिस क्वेश्चंस, उसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चन देखेंगे, सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन पेडिग्री केयरफुली, द ट्रेट इंडिकेटेड. देखो भैया, अ फीमेल मैरी विद अ मेल, वो भी कैसा है, डिजीज्ड. शादी हुई तो बच्चे होना लाजमी है. कितने बच्चे हुए, हम दो हमारे तीन. ए लो जी, ए लो, अपनी शादी करो और फिर अपने बच्चों की भी शादी करवाइए. ए लो, बच्चों की शादी करवाइए, उनके भी बच्चे होने दीजिए, इनके भी हम दो हमारे तीन, वन मेल एंड टू फीमेल. लाइक दैट मैरिज इज ऑल्सो हियर. हम दो हमारे चार, मेल डिजीज्ड, फीमेल डिजीज्ड, मेल डिजीज्ड एंड फीमेल डिजीज्ड. समझेंगे यहां क्वेश्चन तेरा, स्टडी द गिवन पेडिग्री केयरफुली, है ना, केयरफुली द ट्रेड इंडिकेटेड. ठीक है भाई, अब दे रहा है कौन सी डिजीज है, बोले ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहा, बता देता हूं. बोला ये दिस इज ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर. अगर ऑटोसोमल रेसेसिव है, चलो तो स्मॉल है, स्मॉल है बेटा, और यहां पर किसी को भी डिजीज नहीं आ रही है. मींस टू से यू हैव टू कंसीडर दिस ओनली कैपिटल ए, कैपिटल ए, बिकॉज इफ यू विल कंसीडर कैपिटल ए स्मॉल ए हेयर, तो कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए टेस्ट क्रॉस हो जाएगा, एंड ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ टेस्ट क्रॉस सब डिजीज और सब नॉर्मल विल बी देयर. सो अर हेयर ऑल आर नॉर्मल, देन यू कांट कंसीडर दिस, यू हैव टू कंसीडर कैपिटल ए कैपिटल एंड स्मॉल ए स्मॉल ए. ओके, अब टू ईयर ओके, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल होगी, सारे सारे बच गए. इट्स डिजीज्ड वन, मींस यू हैव टू कंसीडर स्मॉल स्मॉल, एंड इन दिस क्रॉस दे आर शोइंग ऑल आर सेफ. इज इट पॉसिबल कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, दिस इज टेस्ट क्रॉस, मींस सम शुड बी डिजीज्ड हियर, यानी दिस इज नॉट अ ऑटोसोमल रेसेसिव. फिर सो रहा है कि चलो ये एक्सलिंग रेसेसिव है, जरा एक्सलिंग रेसेसिव शो करेंगे. हे एन एग्जाम यू कैन मेक वेरी फास्ट. हियर आई एम गोइंग टू जस्ट टीच यू बेटा कि हाउ टू, है ना, हाउ टू रीच अप टू दैट अप्रोच. आफ्टर दैट इन एग्जाम तो वेरी इजीली यू कैन चेक द आंसर्स, एंड ड्यू टू दैट योर प्रैक्टिस इजीली यू विल कम टू नो. क्योंकि ये तो ये वाला कह रहा है, वहां तक टाइम नहीं लगेगा आपको. जस्ट सी, सो इन केसेस ऑफ, नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है एक्सलिंग रेसेसिव. बताइए एक्सलिंग रेसेसिव, अगर एक एक्सलिंग रेसेसिव है तो एक यहां बनाना होगा मैंने, और यहां किसी को भी डिजीज नहीं आ रही है. किसी को डिजीज नहीं आ रही मींस टू से शी शुड बी नॉर्मल इन दैट कंडीशन. हाँ, किसी को डिजीज नहीं आएगी, कैरियर आ सकता, डिजीज नहीं आएगी. मान लिया ऑल कैरियर ए फीमेल कैरियर होगी, ठीक है, ए फीमेल कैरियर एक्सलिंग रेसेसिव, ए मेल है, ऐसा है. ड्यू टू दिस सम फीमेल शुड बी डिजीज्ड और नॉट, हेयर 100% दे आर शोइंग कि नो फीमेल विल बी डिजीज्ड. फिर से गलत हो गया कि दिस इज नॉट अ एक्सलिंग रेसेसिव. एज वन कंसेप्ट ऑफ, लिसन बेटा, इफ एनी पेडिग्री इफ दे आर गिविंग टू और मोर देन टू एनी सेक्स, मेल या फीमेल दो हो और मोर देन टू, देन यू हैव टू कंसिडर दैट इज 100% पॉपुलेशन. In this like here, two females are here. Then you can't think कि सर हो सकता है they all are like this. ये वाला X और ये वाला X ही होगा. हो सकता है सारी बच गई. नहीं. Two means to say in pedigree it is like that. If they are given two or more than two, means to say they are showing कि they are 100% population. It's not like that they are two. They are nearly 2000. वो 100% population है. हाँ, here you can think. In male. Only one male they are showing here. Only one male is there. So you can consider कि हो सकता है एक को आया और एक को ना आए. But if in any sex, if they are giving two or more than two, you have to consider 100% population there. ठीक है? तो this is not a X-linked recessive. चलिए फिर ये दे रहा है कि this is a paternal inheritance or maternal inheritance. देखें जरा, if it is paternal inheritance, suppose अगर paternal होता, देखो मेल में डिजीज है
देन ऑल शुड बी अफेक्टेड और नॉट, बट किसी को अफेक्ट नहीं है. मेल में डिजीज है बट किसी को अफेक्ट नहीं है. बट एज दिस डिजीज केम इनटू फीमेल ऑल गोइंग टू बी अफेक्टेड. मींस टू से दिस इज अ मैटरनल इनहेरिटेंस, दिस इज अ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. क्लियर और नॉट? तो आपको मैटरनल इनहेरिटेंस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्लियर हो गया. समय आए, दिस इज नॉट अ पैटर्नल, दिस इज मैटरनल. कोई कंफ्यूजन? गेटिंग? चलिए नेक्स्ट थिंग देखते हैं.